हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एग्जाम बहुत ही पास है एंड आई एम वेरी श्योर आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस छोटे से वीडियो के थ्रू मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। ये मेरा प्रॉमिस भी था कि कुछ आपके जो यूजुअल डाउट्स होते हैं इस समय उसको मैं सॉल्व करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है मेरे पास सवाल कि सर मेरे रिसेंट ग्रैंड टेस्ट में सवाल में नंबर कम आ रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, क्या मेरा सिलेक्शन इस बार हो पाएगा कि नहीं। कुछ बच्चे का डिस्ट्रैक्शन बेसिक प्रॉब्लम है और कुछ बच्चे परेशान है COVID-19 की सिचुएशन से। मैं इस वीडियो के थ्रू आपका सारा वो डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पूरा देखना, इस वीडियो से आपकी बहुत बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको पढ़ने का एक न्यू रीजन मिलने वाला है। काउंटडाउन हैज बिगन, बट मुझे पता है हमारे उड़ान के वॉरियर्स अपनी पढ़ाई बिल्कुल जोरों शोरों से कर रहे हैं। हर दिन हम रिविजन करते हैं और हर दिन हम पढ़ाई करते हैं। आप खुद का एक चार्ट बना हुआ है, आपकी खुद की एक टाइम टेबल बनी हुई है, उस टाइम टेबल को आई एम वेरी श्योर कि आप पूरा कर रहे हो। आई एम टेलिंग यू डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। एंड व्हेन यू आर डन, कब आपने खत्म किया वो है 13 सितंबर। 13 सितंबर को जो एग्जाम दे दोगे तब आपको रुकना है, तब तक आपको आगे बढ़ते रहना है। आप हमारे उड़ान के वॉरियर्स हो और आपसे हमें यही उम्मीद है। पर इसी समय जब आप पढ़ाई करते हो तो हमें, मुझे पता है कि कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं और आई थिंक वी शुड क्लियर देम ऑल। डाउट्स क्या क्या है? सबसे पहले बच्चे के दिमाग में यह आता है कि सर मेरा टाइमिंग क्या होना चाहिए इस समय स्टडी का, मुझे कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे मॉक टेस्ट देना चाहिए या नहीं, और मुझे क्या एग्जैक्टली रिवीजन करना चाहिए। सो आई टेल यू वन बाय वन, मैं एक एक क्वेश्चन करके लेता हूं। टाइमिंग ऑफ द स्टडी, नंबर वन, देखो इस समय एक बात ध्यान रखना कि रात में जो लोग जग रहे हैं अपना स्लीप वेक साइकिल को बिल्कुल ठीक कर लो, बिकॉज अगर आप रात में जगोगे आप दिन में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाओगे। इस टाइम पे सुबह आप 6 o'clock उठो और लगातार आप पढ़ो एटलीस्ट अप टू 12 o'clock, टेक अ ब्रेक एंड देन अगेन स्टार्ट एट 2 o'clock बिकॉज आपका एग्जाम शुरू हो रहा है 2 बजे। तो ट्राई करो 2 बजे के समय आप मैक्सिमम एक्टिव हो और 2 बजे इज द टाइम जब आप MCQ एटलीस्ट आधे घंटे या फिर 1 घंटे हर दिन बनाए, बिकॉज हमारे माइंड को आपको एक सिग्नल देना है कि 2 बजे से 5 बजे तक मुझे मैक्सिमम एक्टिव रहना है एटलीस्ट टिल 13th of September। मॉक टेस्ट बहुत बड़ा डाउट है। देखो मॉक टेस्ट इस समय आपको मैं एक एडवाइस करूंगा कि न्यू मॉक टेस्ट ना दें, बट जो आपने मॉक टेस्ट अभी तक दिया हुआ है पुराने, वो सारे मॉक टेस्ट आप वापस खोल के देखें कि क्या क्या गलतियां हुई है। बहुत सारे मॉक टेस्ट में आपके कुछ सिली मिस्टेक्स रहे होंगे और ट्राई करना कि सिली मिस्टेक्स वापस 13 सितंबर को नहीं हो। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह होता है कि आपने जो सिली मिस्टेक ऑलरेडी कर चुके हो उसको वापस देखो ताकि सेम मिस्टेक वापस ना हो। मेरा आपको एक जेन्युइन एडवाइस रहेगा इस समय ना, आप मॉक टेस्ट ना देके क्या करो कि जो रीसेंट ईयर पेपर्स हैं, मतलब 2019, 18, 17 लेके एटलीस्ट ट्राई करो 2015 के सारे सवाल देख पाओ, बिकॉज आपको उस रीसेंट पैटर्न से पता चलता है। मॉक टेस्ट देने से एक प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बिल्कुल बाहर होता है एंड ऑब्वियसली दे आर सेट टू टेस्ट योर स्किल्स। इस समय अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलती होगा एक मॉक टेस्ट में तो आपका कॉन्फिडेंस जो कि हाई हो रखा है वो थोड़ा सा लो आ सकता है। बहुत सारे बच्चों का नहीं आता है, दैट्स वेरी गुड, बट जिस बच्चों को मॉक टेस्ट देने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है तो मेरा आपको एक जेन्युइन एडवाइस है, इस टाइम पे मॉक टेस्ट ना दें, आपके ऑलरेडी दिए हुए मॉक टेस्ट को वापस रिविजन करें और प्रीवियस ईयर नीट के पेपर देखते रहें। पढ़ना क्या चाहिए, जो भी चीज आपने मार्क करके रखी है, जो भी आपने टेबल के सामने चिपका के रखा है, उन चीजों को डेफिनेटली देखो, बिकॉज एक बात ध्यान रखना कि जो चीज आपको याद है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो आप नहीं भूलोगे। यूजुअली हम भूलते वो है जो हमें बार बार याद नहीं होता और वो चीजें आपने अपनी टेबल पे लिखी हुई है, ठीक है? तो ट्राई करना उसी को रिविजन करने का। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बहुत सारे बच्चों का रिसेंट दिए हुए, मतलब अभी के मॉक टेस्ट नहीं, जो एक महीने पहले जो मॉक टेस्ट हुए हैं उसमें नंबर अच्छे नहीं आए तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो रहा है। एक आपको एक सिंपल सजेशन है, आप ये सोचो कि अगर आपका मॉक टेस्ट ही मेन टेस्ट होता तो एक्चुअल नीट का तो मतलब ही नहीं रह जाता। मतलब नीट का सवाल थोड़ा सा मॉक टेस्ट से अलग होता है, बिकॉज मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी एंड आउट ऑफ सिलेबस होता है, सो दैट यू एक्चुअली गेट टू टेस्ट योरसेल्फ। मेरा कहने का मतलब यह है कि मॉक टेस्ट में अगर बहुत अच्छा नंबर नहीं आया है परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ अपना अपने से आप कंपटीशन रखो कि आपका मॉक टेस्ट नंबर 1 में 80% था, मॉक टेस्ट नंबर 2 में 82% था, आपको कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ आपसे है, अभी के सवाल और किसी और से नहीं। 13 सितंबर को सभी और से हो जाएगा। अगर एक बात देखो, विल आई एबल टू क्रैक इट, जिन लोगों ने साल भर पढ़ाई की है वो इस समय अगर अपने आप को डाउट करे ये सही नहीं है, मैं आपको ये करने की इजाजत नहीं देता। आपको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रहना है, हमें आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है,
आपको भी अपने ऊपर उतना ही कॉन्फिडेंस रखना है। मतलब अगर आपने साल भर पढ़ा है और अगर मान लीजिए बीच में एक या दो दिन अगर चला भी गया हो जहां आपकी पढ़ाई नहीं हुई हो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर ऐसे ही होता तो जो अब बच्चे अभी सिर्फ पढ़ रहे, सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं, पहले नहीं पढ़े, सिर्फ उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि नहीं है ट्रू। ठीक है, आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड अगेन, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। इस समय एक बात ध्यान रखना, नो मूवीज, नो म्यूजिक। म्यूजिक मूवी से बिल्कुल दूर रहोगे, टीवी से, न्यूज मीडिया से बिल्कुल दूर रहोगे। ये सारे डिस्ट्रैक्शन के मेजर सोर्स बन सकते हैं और आपके ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो आपके माइंड मैप्स हैं, जो आपके खुद के बनाए हुए डायग्राम्स हैं, वो आप भूल सकते हो। अगर आप कोई भी चीज सुनते हो, देखते हो, तो मन में वो वापस बार बार आता है, तो आपका जो एक कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो थोड़ा सा कम होता है। इस टाइम पे वो काम मत करना, ठीक है। सो नो मूवीज, नो नेटफ्लिक्स, नथिंग, ओनली एंड ओनली पढ़ाई। अगर आपको मन है तो शाम में आप बाहर जा सकते हो, बट विदाउट मोबाइल आप बाहर घूम के आओ और वापस पढ़ाई पे लग जाओ। अब कुछ एग्जामिनेशन ट्रिक्स बताता हूं। पहला, OMR। अब देखो, OMR के बारे में आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे वो पेपर आपको OMR मिलता है तो उसमें डायरेक्टली सबसे पहले वो अपना रोल नंबर और अपना नाम नहीं मार्क करते, वो उसको बात के छोड़ते हैं। ये गलती कभी मत करना। जैसे ही आपको OMR मिले, सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से अपना रोल नंबर, अपना नाम ठीक से मार्क करना है। ये छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है, याद रखना। एक गलती करोगे और पूरे साल भर ये सोचोगे कि मैंने OMR में गोला ठीक से नहीं किया। तो गोल करते समय बिल्कुल एश्योर कर लेना कि आप सही नंबर ऑफ क्वेश्चन पे मार्क कर रहे हो। एक और चीज बच्चे करते हैं कि वो सबसे पहले टिक मार्क करते हैं अपने पेपर में और फिर उसी को मार्क करते हैं OMR में। इससे टाइम वेस्ट होता है। मेरा सजेशन आपको ये है कि ऐसा ना करो, डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर मार्क करो इनटू द OMR। ओके, नाउ बायोलॉजी। यूजुअली सारे जो टॉपर्स हैं, हम लोग सभी लोगों ने पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट किया था। ट्राई करो बायोलॉजी को 50 से 60 मिनट तक पूरे की पूरी कर लेने का। अगर आपने ये कर लिया तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाफ ऑफ द पेपर इज डन, आधा पेपर हो चुका है और बाकी पेपर के लिए मेरे पास 2 घंटे बाकी हैं। सेकेंड आप उठाओगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बाद जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, यूजली जो बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, वो है फिजिक्स। और याद रखना, फिजिक्स के जितने भी आपके रीसेंट न्यूमेरिकल्स आप जो बनाए हो, जो रीसेंट फॉर्मूला बनाए हो, जो आपके ट्रिक्स है, मेथड्स है, इनको आपको अभी रिविजन करना है। और उसकी जो है वीडियोस हम लगातार आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। ट्राई करो उस सारे वीडियोस को देखो, रिविजन करो और अपना बेस्ट पोटेंशियल पे परफॉर्म करोगे, ठीक है। अब देखो, जब आपने बायोलॉजी कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया, आपने फिजिक्स अटेम्प्ट कर लिया पेपर पे, तब आप जाओगे लेफ्ट ओवर्स पे। अब एक बात ध्यान रखना, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके इनिशियल पेपर जो है, इनिशियल सवाल जो है, वो टफ आते हैं। पर एक बात समझो कि अगर मान लो आपके 15 के 15 सवाल इनिशियली टफ आ जाए, तो बाकी पूरा का पूरा पेपर इजी ही आने वाला है। इसीलिए याद रखना, अगर पेपर टफ आपको लग रहा है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। अपना मोटिवेशन रखना है कि इजी सवाल भी आएगा और मुझे उसका वेट करना है। ध्यान रखना, अगर सवाल टफ आ रहा है तो इजी भी आने वाला है। पेपर पूरा का पूरा मेथोडोलॉजिकली प्लेस्ड होता है, रैंडमली क्रिएटेड सवाल के कारण कभी कभी यू माइट फील कि मेरा पेपर टफ है, और उतना पेपर टफ यूजुअली आपको अल्टीमेटली नहीं लगता, ठीक है। स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट गेसेस। कैसे करोगे इंटेलिजेंट गेसेस? सभी लोग कहते हैं गेस करके आपको मार्क करना है। एक बात ना, अगर कोई भी ऐसा सवाल जिसका आपको इन एंड आउट बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, आपने सुना ही नहीं है, डोंट अटेम्प्ट इट, बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है। बट अगर आपने कोई सवाल सुना हुआ है और उसके एक या दो ऑप्शन सुने हुए हैं, आपको थोड़ा बहुत डाउट है, प्लीज 100% मेक श्योर कि आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। ट्राई करो हर क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसको इंक्लूड नहीं करके एक्सक्लूड करना। मतलब ऑप्शन है, अच्छा ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी को एक्सक्लूड करो और अल्टीमेटली कम टू द आंसर। बट ऐसे क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम के लिए छोड़ दो, सेकेंड टाइम जब वापस आओगे उस क्वेश्चन में, तब आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। स्मार्ट और इंटेलिजेंट गेसेस से आपका रैंक बहुत ऊपर जा सकता है। कामली क्वेश्चन को देखना है और आपके ऑप्शंस को एक्सक्लूड करना है। इंक्लूड करने से यूजली ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते, ठीक है। मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता या फिर ऑप्शन बी नहीं हो सकता। यस, COVID-19 बहुत फैल रहा है और आप परेशान हो, और आपका परेशान होना यूजुअली मैं समझ रहा हूं कि बहुत ही यूजुअल है, कोई इसमें आश्चर्य की बात बिल्कुल नहीं है। पर ध्यान रखना, जब आप N95 मास्क लगाते हो, जब आप N95 मास्क लगा के बाहर जाते हो और आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आते, तो आपको COVID-19 का इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर ऐसे ही होता तो सारे डॉक्टर्स आज इन्फेक्टेड हो जाते। तो कहीं ना कहीं आपको अपने लिए एक केयर रखना है, अपने परिवार का केयर रखना है। आपको मास्क निकाल के सेंटर के बाहर नहीं घूमना है, ये प्रॉमिस आपको अपने आप से, आपको अपने परिवार से, और आपको पूरी की पूरी इंडिया से ये प्रॉमिस करना है, ठीक है। तो मास्क लगा के आराम से एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस हाई रखना है।
एक दिन बिफोर द एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बिल्कुल रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने का मतलब ये नहीं कि मूवी देखने चले जाओ, रॉन्ग। रिलैक्स करने का मतलब है दो तीन जो रीसेंट पेपर्स है वो देख लो, जो आपने मेनली मेनली जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो आपको याद नहीं हो रहा, कुछ सब फाइलम है, फाइलम है, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन रही है जो भूल रहे हो, केमिस्ट्री के कुछ इक्वेशंस है आप भूल रहे हो, नेमिंग रिएक्शंस है वो भूल रहे हो, फिजिक्स के कुछ इक्वेशंस है जो आप भूल रहे हो, कुछ फॉर्मूलाज भूल रहे हो, तो उसको आप वापस याद कर लो, दैट्स इट। टाइमली सो जाना है, टाइमली सो जाना है एक दिन एग्जाम के पहले, बिकॉज जितना आप फ्रेश रहोगे अगले दिन उतना आपके माइंड की आउटपुट उतनी उतनी अच्छी आएगी। देखो बच्चों, आपने साल भर पढ़ाई किया है, ये समय है अपना मैक्सिमम कॉन्फिडेंस रखने का। हम में आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, आपको अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पापा और मम्मी जो आपसे इतना एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनको आपको ये गिफ्ट देना है, एंड द गिफ्ट शुड बी अ गुड रैंक इन नीट 2020 एंड बिकम अ डॉक्टर। याद रखना, बी स्ट्रॉन्ग व्हेन यू आर वीक, बी ब्रेव व्हेन यू आर स्केयर्ड, एंड हम्बल When you are victorious। Rank आ जाए, बिल्कुल humble रहना है, बिल्कुल एकदम सर पे नहीं चढ़ना है, धरती पे रहना है। और अभी अगर डर लग रहा है, अपने आप को बोलो all is well, सब कुछ ठीक होगा, हम सभी लोग आपके साथ हैं। Wishing you all the best from me and our whole team is Udaan's team। Goodbye and best of luck। I am very sure कि आप लोग हमारे videos देख रहे हो और उसको अच्छे से आप अपने note भी कर रहे हो revision के साथ। Thank you guys। Take care and best of wishes.